हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे जरूरी चीज़ पढ़ेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे दो क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं डिवीज़न के, और डिवीज़न के इस कंसेप्ट में अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि डेसिमल कैसे यूज़ करना है, डेसिमल के बाद ज़ीरो लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए, ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो आज बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ भी आएगा, क्लैरिटी भी होगी। तो सबसे पहले इस एग्जांपल को करते हैं कि 200 से अगर 723 को डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे डेसिमल लगेगा। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले 200 के टेबल में अगर हम बात करें तो 200 थ्रीज आर होता है 600, राइट। तो फर्स्ट स्टेप तो ये सबको क्लियर है कि 200 के टेबल में, यानी कि 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। तो यहां से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 723 में से 600 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 123। अब रूल सुनिए, अब 123 200 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, या तो यहां पे छोड़ दो, रिमाइंडर इतना आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि डेसिमल में इसका आंसर निकाला जाए। तो होता क्या है, अब हमें क्या लगता है कि यहां पर अब फिर हमें एक जीरो लगाना है। यही सीखा है हमने कि एक जीरो लगा दो, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहां पर क्या लगा दो, फिर डेसिमल लगा दो। तो अब ये याद रखो कि मैंने जब एक जीरो यहां पे लगाया, जब मेरा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो गया, मुझे ये पता लग गया कि और डिवाइड नहीं कर सकते, एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो फिर बदले में यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, राइट। पहली चीज तो ये क्लियर करिए। अब 200 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 6 के साथ, ये बनेगा जी 1200। अब देखते जाइए रिमाइंडर कितना आया, मेरे पास 30 आया। अब जब रिमाइंडर 30 आया तो मैं कहूंगा जी ये तो अब भी नहीं डिवाइड हो रहा 200 के टेबल पे, फिर से जीरो लगाऊंगा एक। अब याद क्या रखना है, मैंने यहां पर एक जीरो लगाया तो यहां पर कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डेसिमल लगा चुका हूं मैं, ठीक है। कई कई क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है एक जीरो ऊपर लगाने की, वो इसीलिए ये एग्जांपल लिए, वो तब और क्लैरिटी होगी। फिलहाल जब आप सिंगल जीरो लगा रहे हो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 200 के टेबल में 200 वंस आर 200, हमारे पास बचा रिमाइंडर 100। अब इसके बाद देखो, अभी 100 फिर नहीं डिवाइड हो रहा, लेकिन एक जीरो और लगा सकते हैं, फिर ऊपर कुछ नहीं करना, अभी भी एक जीरो लगा सकते हो। 200 को 5 से करेंगे तो ये आ गया जी 1000, बस रिमाइंडर बन गया 0। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन कितना आया, 3.615, यानी कि 723 को 200 से डिवाइड करने पे आंसर कितना आता है, 3.615, राइट। तो ये अगर चीज क्लियर है ना, तो अब यहां पे चलते हैं, 40 से 281 को डिवाइड करना है। अब सिचुएशन ध्यान से समझिएगा, 40 को अगर मैं 7 से करूं तो कितना होता है 280, राइट, 280 आ जाता है। रिमाइंडर कितना आया यहां पर, 1। अब रिमाइंडर 1 आ गया, 1 तो देखो रिमाइंडर छोटा हो गया, डिवाइजर से डिवाइड नहीं होता, तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था जी एक जीरो लगा दो तो यहां पर डेसिमल लग जाएगा, चलिए वो भी लगा दिया। यहां पर जब एक जीरो लगाया था तो डिवाइड हो गया था, लेकिन मेरे को यहां प्रॉब्लम आ रही है, अभी एक जीरो तो आ गया लेकिन डिवाइड तो फिर भी नहीं हो रहा, अभी भी छोटा है। तो क्या सिखाया जाता है कि एक जीरो और लगा दो, एक जीरो और यहां लगाओगे तो यहां पर भी जीरो लगाना पड़ेगा। यहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है कि डेसिमल के बाद लगाना है कि नहीं लगाना है। तो तरीका समझ आ रहा है, सिंगल जीरो अलाउड था, एक जीरो लगाया तो एक डेसिमल लग गया, अगर मैंने इसी जगह पे एक जीरो और लगाना है तो ऊपर जीरो लगाना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, एक जीरो और लगाओ, फिर आपको एक जीरो यहां पर लगाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर भी ये जीरो लगाना है, क्यों लगाना है, हमें ये समझ नहीं आया। तो अब इस चीज का जवाब सुनो, मैं कहता हूं ना लगाओ, मान लीजिए हम कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं लगाया हमने, अब क्या करेंगे, 10 आ गया रिमाइंडर, क्योंकि हमने रूल फॉलो किया जी एक जीरो लगा सकते थे, सिंगल जीरो ही लगाएंगे। कैसे कि मैं कहूं कि अब 40 करो फिर 10 से डिवाइड, तो कैसे करोगे, हम करेंगे जी ठीक है 40 जीरो जार जीरो, 40 जीरो जार
जीरो, फिर से रिमाइंडर क्या आ गया, टेन आ गया, क्या आ गया, टेन आ गया रिमाइंडर। अब एक जीरो तो अलाउड है ना लगाना फिर, क्योंकि डेसिमल लग चुका है हमारा, मैंने डिवाइड जीरो से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई जीरो से कर दिया ऊपर, तो अब एक जीरो और लगा लो। अब 40 को करो 2 से, 42 are 80, रिमाइंडर कितना आया 20, फिर से एक जीरो लगा सकते हो, अब सिंगल जीरो तो लगा ही सकते हो, 40 के टेबल में 5 are 45 are 200, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट। तो यहां पर देखो डेसिमल के बाद एक जीरो हमें लगाना पड़ा, जरूरी नहीं कि आपने 40 0 0 लिखना है, मैं फिर से कह रहा हूं लिखना नहीं है, जरूरी नहीं है, ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसा मैंने स्टेप बीच में करके दिखाया था वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने एक बार जीरो लगाया था डेसिमल लग गया, फिर एक जीरो इमीडिएटली और लगा दो, ये 100 ये वाला स्टेप छोड़ सकते हो आप, ये हमने इसलिए किया है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। आई होप कि अब आपको ये डेसिमल वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन हमें किसी व्यूअर्स ने ही भेजे थे कि इसमें क्लैरिफिकेशन दी जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।